प्रोग्राम रखा जो शहीद हुए उनके परिवारों को मान सम्मान देने के लिए, यहाँ एक कदम सैनिकों के लिए ट्रस्ट रजिस्टर्ड शहीदों को प्रोत्साहन सम्मान 2017 का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा, आइए हम इसे जानकारी लेते हैं। अभी युवा साथी हैं राजू जी, आपके मन में ये कैसे पीड़ा आई कि हम ये शहीदों के परिवारों को सम्मान दें? पहले तो मैं सबसे पहले आप सब अपने देशवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे उन शहीद भाइयों का, उनके घर परिवार वालों का, उन माताओं का जिन माताओं ने अपने फूल जैसे बच्चे को पाल पोस के भेजा, किसकी किसके लिए, हम लोगों के लिए, सेना जंग लड़ने के लिए। जब हमारा सैनिक, हमारा सिपाही लड़ता है तब हम सुरक्षित हैं, उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो हमने कॉन्सेप्ट किया है उस कॉन्सेप्ट को देश के कोने कोने में लेके हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भाई आगे आए इसको करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हर युवा, हर आदमी के दिमाग में सोच होना चाहिए कि वो सिपाही के बारे में सोचना चाहिए, उस सैनिक के बारे में सोचना चाहिए जो सैनिक हमारे लिए -20, -24, -50 डिग्री में टेम्परेचर में हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए हमारा क्या समर्पण, हमारा भाव क्या है। तो मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए, जागरूक होइए, आगे आइए एक बार इस कॉन्सेप्ट को लेके, इससे प्रेरणा लीजिए। हम मुझे प्रेरणा मिली किसी से कि मैंने देखा प्रोग्राम, मुझे लगा कि हमारे जो जवान हैं और उनकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी जो माताएं, जो हमारे देश की माताएं, मैं नमन करता हूं उन माताओं को, नमन करता हूं उन बहनों को जिन्होंने अपना सुहाग खोया, अपने मांग का सिंदूर खोया हम लोगों की सुरक्षा के लिए। जब हम दिवाली मनाते हैं तो हम मातम हो रहे होते हैं, हमारे देश में दिवाली मनाते हैं मातम हो रहे होते हैं, वो शहीदों को नमन, वो शहीदों, वो सैनिकों को, उन सैनिकों के लिए मिला पूरा समर्पण, मेरा भाव, मेरी अंतरात्मा उन्हीं के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को, इस ज़्यादा तो मैं अगर बोलने चाहूँ मैं, क्योंकि मैं ना ज़्यादा, आपके ट्रस्ट के अंदर कितने मेंबर हैं जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? सर मेरे ट्रस्ट में वैसे तो पूरा आज़ाद नगर मेरी टीम है, पूरी इंडिया मेरी टीम है, पूरा देशवासी मेरी टीम है, पूरा घर घर का हर देशवासी मेरी टीम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि घर घर में देश, पूरे अपने देश के कोने कोने में इस आवाज़ को लेकर जाएं। लेकिन हम जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, राजन मल्होत्रा जी हैं, गोपाल वर्मा जी हैं, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत इन लोगों की है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं, इन्होंने मेरे को नाम दे दिया कि राजू जी आप संस्थापक बनेंगे, लेकिन सारा मैटर सारा उनका है, मतलब जो भी कुछ है करता था सब यही है, तो इन्होंने मुझे बड़ा बना दिया। अभी राजू जी ने बोला है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे एक युवा होने के नाते इसका संस्थापक बना दिया, तो ये अभी आपने हरियाणा और राजस्थान और मथुरा से तीन राज्य से यहाँ आपने शहीदों के परिवारों को इकट्ठा किया, तो ये आपके दिल के अंदर, आपके मन में अंदर ये कैसे पीड़ा आई? देखिए राजू जी का विचार मेरे के सामने रखा था राजू जी ने एक बार, कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश परमार है और संस्कार साधी ट्रस्ट और पत्रिका का मैं संस्थापक और संपादक हूँ, और मैं राजू का बड़ा भाई समझ लीजिए आप। मैंने इनको प्रेरणा दी कि अगर आप प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं इसको ट्रस्ट के बैनर तले कीजिए। ट्रस्ट का निर्माण किया, अभी अभी किया है, उसमें काफ़ी कार्यकारिणी है, पूरे सारे लोग हैं और मिलकर के हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि देश के जो प्रहरी हैं वो हमारे सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जैसे कि राजू ने अभी अभी बताया, लेकिन हमारा उनके प्रति क्या दायित्व है, वो हम किस रूप में उसका निर्वहन कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक तौर पर कुछ लोग कुछ भी कहते हैं और धार्मिक तौर पर भी बहुत सारी व्यवस्था हैं, लेकिन हम समाज में सामाजिक रूप से उनके सहायता के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार अपने स्तर से करते तो उस स्तर से हमने एक प्रोत्साहन सम्मान के रूप में जो शहीद परिवारों को और उनके आजीविका तो इस गवर्नमेंट करती है पूरी, लेकिन अपनी तरफ प्रोत्साहन देना चाहते हैं उनके प्रति समर्पण भाव रखते हुए कि देश पर उन्होंने अपनी जान निछावर की है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, समाज में उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये आयोजन किया है। और जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि माननीय मोदी जी ने और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जी की प्रेरणा से अकाउंट खोला है, हम सभी समाज के लोग किसी भी वर्ग जाति के हैं, जैसे किसी हिस्से में रह रहे हैं, जितना भी संभव हो उसमें धनराशि जरूर डालें और वो सैनिकों के लिए काम आएगी, सैनिकों की व्यवस्था के लिए आएगी, रक्षा व्यवस्था के लिए आएगी, देश का हमारा जो है धन वो बढ़ेगा। जी अभी आपने बात कही एक कि आजीविका तो गवर्नमेंट देगी, हाँ लेकिन भरपाई करती है जहाँ संभव होता है। अभी मैंने जो यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर शहीद परिवार आए थे, उनकी बेवा आई थी, उनकी जो धर्मपत्नी आई थी, मैंने उनसे रूबरू होने की बात की जी। अभी
हरियाणा की जो आईन थी उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें जो आश्वासन दिए थे उनमें से एक पे भी खरा नहीं उतर रही है। जी जी, हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ऐसी कोई घटना हो, लेकिन गवर्नमेंट जहाँ तक होता है अपने दायित्व पूरे करती है। थोड़े रफ्तार कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो करती है। लेकिन हम समाज का, हम लोगों का भी दायित्व है कि हम अगर कुछ कमियाँ हैं तो उनकी हम भरपाई करें, अपने स्तर से करें। देश भर में जगह जगह इस तरह के समारोह आयोजित करें और देश की सेना के लिए, शहीदों के लिए समर्पित भाव से जागृति पैदा करें और आंदोलित रूप में। मुकेश परमार जी, जब कोई शहीद होता है और जब उसकी चिता जलाई जाती है, परिवार के अंदर एक दिल फटने वाली बात होती है, आंखों से आंसू बहते होते हैं, वहीं वहाँ के अधिकारी लोग, वहीं नेता लोग आगे अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं कि हम इनको ये दे देंगे, हम इनको पेट्रोल पंप दे देंगे, इनको हम गैस एजेंसी दे देंगे, हमको इतने इतने लाख रुपए दे देंगे, लेकिन वो डिपार्टमेंट का, गृह मंत्रालय का चक्कर काटते काटते इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें वो आज तक नहीं मिलते। तो इसके लिए आपकी क्या पहल रहेगी? मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये आपने जो बात कही है दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है, सरकार जो आश्वासन देती है उतना काम नहीं करती है, तो ये देश के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए और संविधान के जो कर्णधार हैं उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देश का जो रक्षक है, देश का जो सेनानी है, वो देश की व्यवस्था पर ही निर्भर है और हम लोग जितना कर पाते हैं वो हमारा एक उनके प्रति समर्पण है। लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकारी उनके आजीविका की, सारी व्यवस्थाओं की, साधन के जो है पूर्ति करेगी, वो करनी चाहिए। लेकिन वो उनके दायित्व है, लेकिन हम लोगों का दायित्व है समाज में कि हम भी उनके बेहतर जीवन के लिए, उनके बच्चों की आजीविका के लिए कोई ना कोई जो है व्यवस्था बनाएं, उनको रोजगार देने की व्यवस्था करें। आदरणीय संटी जी ने हमें ये आश्वासन दिया था, मुझे ध्यान नहीं के यहाँ पे बोला नहीं बोला, कि मैं उनके परिवारों को जो शहीद हैं परिवार रोजगार देने की व्यवस्था करूँगा अपने संस्था के माध्यम से, ये हमें आश्वासन दिया था। और इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस देश के शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति सम्मानित भाव जो है प्रकट किया है और यहाँ आकर के हम लोगों को कृतार्थ किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी चरणों को धन्यवाद।